कि बेटियों बहनों तुमको कोई अगर छेड़ने का प्रयास करे तो तुरंत वहीं मार देना, मुकदमा तुम्हारा बाप और तुम्हारा चाचा देख लेगा। डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और रात को ड्यूटी करते हुए देश की सुरक्षा कर रही थी, पर अफसोस वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाई। 8 अगस्त की रात वो सबको याद होगी जो कोलकाता में एक डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है उस कातिल के द्वारा, उस रेपिस्ट के द्वारा। पूरा देश उससे शर्मसार हुआ है और पूरा देश रोड पर आकर न्याय मांग रहा है। और उससे भी बड़ी शर्मसार करने वाली बात यह है कि उस राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो रोड पर आकर न्याय मांग रही हैं। आखिर आपको कौन न्याय देगा? जब आप उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आप उस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप उस राज्य की गृह मंत्री हैं, तो न्याय आप किससे मांग रही हैं? पूरा देश न्याय मांग रहा है कि उस डॉक्टर बिटिया के साथ न्याय होना चाहिए। जो और लोगों की जान सुरक्षित करती थी, जो और लोगों की जान बचाती आई है, वो अपनी जान को ना बचा सकी। उस भाई से पूछिए, आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार था, सबकी कलाइयों में राखी बंधी थी, लेकिन उस भाई की कलाई सूनी हो गई। वो भाई जीते जी मर गया, वो अपनी बहन की आबरू को बचा नहीं सका। विशाल जी, क्या कहेंगे आप इस तरीके से बिटिया के साथ हुआ? इस क्रूरता को मैं जानवर और हौसी लोगों को जो है, ऐसे लोगों को समाज में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं अपने बहन बेटियों के लिए कहना चाहूँगा, शास्त्र और शक्ति की ये पहचान बने, रक्षा हो पहली सुरक्षा, रक्षा हो पहली सुरक्षा, और बाहुबल 17वां श्रृंगार बने। जो बहन बेटियों के लिए कहा गया कि उनके 16 श्रृंगार हैं, मैं एक पक्ति आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि बाहुबल उनका 17वां श्रृंगार होना चाहिए। एक अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो ये निर्मम घटना हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं उस सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सूबे की मुख्यमंत्री, सूबे की सर्वे सर्वा, रोड पर आप उतर आई? आप अपने आप को महान बता देने वाली, लोगों के बीच रहने वाली, ममता दीदी के नाम से जानी जाने वाली, आपकी ममता कहाँ चली गई? कि आपको उस बहन का करुण कंदन सुनाई नहीं दिया? हम तो जो नहीं, मतलब जो आँख में आंसू है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो कह सकते हैं आज अपने सभी भाइयों के साथ कि अगर ऐसी घटना दोबारा देश में होती है तो उसकी गोली से, उसका फैसला कोर्ट से नहीं, गोली से होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं साथियों? होना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, और ऐसी सरकार की भी कोई जगह नहीं है। आज पूरा देश चुप है, क्या तेरा क्या मेरा। खबरों में ये भी दिखाया गया कि साक्ष्य छिपाने के लिए वहाँ पर जो कुछ प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए थे, वहाँ पर लोग वो उपद्रवी थे। कुछ ऐसे लोग जो जाते हैं साक्ष्य मिटाने के लिए, जहाँ पर उस बिटिया के साथ अंजाम दिया गया था इस घटना को, वहाँ पर जाते हैं तोड़फोड़ करने के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि कुछ कोशिशें थी कि उस साक्ष्य को मिटाया जाए, जिससे कि कुछ और चीज़ें सामने ना पाएं। इस पर भी मैं कहना चाहूँगा, राजनीति किस कदर बढ़ गई है। आप राजनीति में देखेंगे कि कोई ऊंचे दर्जे का है तो उसको सरकार से 3 दिन में बेल मिल जा रहा है। मैं नासिक वाली घटना का बात कर रहा हूँ, जिसमें गरीबों को उसने कुचल दिया था, ठीक है, और किसी व्यक्ति को दोषी बना दिया जाता है जबकि उसका कोई दोष नहीं होता है। उसको बचाने के लिए सारी सरकारें, सब लोग लग जाएंगे, पूरा तंत्र लग जाएगा, लेकिन कोई एक गरीब का बेटा होगा उसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, विपक्ष क्यों मौन है? वो विपक्ष जो ढुढेरा लेके पीटते रहता है, आज ममता दीदी पर मौन क्यों है? और मैं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा, बड़े कठोर कानून आप बना रहे हैं, एक कठोर कानून हमारी बहन बेटियों के लिए भी बना दीजिए आप हमारे बहन बेटियों के लिए कानून। मेरा पूरा बैकवर्ड और दलित समाज आपको हाथों हाथ लेगा, आपको दूसरा बीपी सिंह मानेगा। किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, सबसे पहले उसे कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात अपनी बेटियों को, बहनों को बताते हैं और आगाह भी करते हैं कि बेटियों बहनों तुमको कोई अगर छेड़ने का प्रयास करे तो तुरंत वहीं मार देना, मुकदमा तुम्हारा बाप और तुम्हारा चाचा देख लेगा। और ये संदेश मैं देना चाहता हूँ अपनी बहनों के लिए, और दरिंदे जो होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ये जाति ही इनकी हत्यारा है।
तो आपके नज़रिए से क्या लग रहा है? लोग तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि और भी इसमें आरोपी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो बिटिया को लोग बार बार कह रहे कि वो बिटिया इतनी कमज़ोर नहीं थी कि एक कोई उस बिटिया का कोई कुछ बिगाड़ सकता था, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कोई भी देश की बिटिया हो वो इतनी सशक्त है कि किसी एक घटिया किस्म की सोच वाले व्यक्ति उसका कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यह उसके साथ रेप नहीं गैंग रेप की घटना घटी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और अपने एम्बिशन परिवार की तरफ से ये कहना चाहूँगा और एक मांग रखना चाहूँगा इस सरकार से, बिना किसी सोच समझ के जैसे अन्य देशों में, जैसे गल्फ कंट्री में रेप के लिए जो नियम कानून है कि तुरंत ऑन द स्पॉट उसको फांसी या गोली मार दी जाए, या तो उसे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट चौराहे पे खड़ा करके उनको फांसी दिया जाए। और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सशक्त, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ गंदी निगाह रखे हुए हैं, मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा इसमें बिना सोचे समझे और बिना किसी नियम कानून डायरेक्ट एक नियम बनाए कि तुरंत जैसे ही पता चले कि आरोपी है उसे तुरंत मौत की सज़ा होनी चाहिए, और वो मौत की सज़ा चाहे जिस रूप की हो, चाहे वो फांसी को, चाहे उसे डायरेक्ट उसका सर काट दीजिए। मेरी मांग तो है कि उसका खुले बाजार में उसका सर काट दीजिए। ऐसे लोगों की कोई भी जगह कहीं पर नहीं है। ये समझ लीजिए कि आतंकवादियों से बढ़ के इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी पिछले कुछ महीने, कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, जिस कांड में जो दोषी करार हुए थे उनको फांसी की सज़ा हुई थी, तो पूरे देश ने ये समझा कि अब इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे। जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था देश की राजधानी दिल्ली में, निर्भया जैसा कांड किया गया था, तो सज़ा तो वहाँ भी हुई, अब यहाँ भी लोग सज़ा की मांग कर रहे हैं, तो किस तरीके की सज़ा दी जाए कि ऐसे जो दरिंदे हैं उनकी रूह कांपे इस तरीके की हरकत करें? वो निर्भया कांड में जो सज़ा मिली फांसी की सज़ा, वो देखिए कितने दिनों बाद मिली है। आरोपी बाहर आ रहे हैं, बेल पे छूट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। यानी ये एक तरीके से हमारे देश में एक कितने भी कृत्य कार्य कर लीजिए, लेकिन उनको पता है कि हमारी जो ये संविधान है बहुत लचीला संविधान है, यहाँ के जो नियम कानून बहुत ही लचीले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ चाहे और कोई नियम बने या ना बने, मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि रेपिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट 1 वीक में उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा कानून भारत सरकार को लागू करना चाहिए बिना किसी सोच संकोच के। क्या नाम है बेटा, इधर आ जाओ थोड़ा सा, क्या नाम है? सर माय नेम इज सोनाली यादव। सोनाली, ये बताओ इस घटना के बारे में जानती हो? यस सर। क्या होना चाहिए ऐसे आरोपियों के साथ, ऐसे दरिंदों के साथ? यस सर, डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और रात को ड्यूटी करते हुए देश की सुरक्षा कर रही थी, पर अफसोस वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाई। इतना घटिया कर्म करने वाले दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, और इसके लिए देश को जागरूक होना चाहिए। थैंक यू, वी वॉन्ट जस्टिस। बिल्कुल, इस तरीके की जो हमारे समाज में हमारी बहन बेटियां हैं वो भी तमाम सपने सजो रही हैं कि एक दिन हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी इंजीनियर बनेंगे, हम भी किसी मुकाम पर जाएंगे, लेकिन इनके भी सपने इनके परिवार के लोग इसी तरीके से तोड़ देते हैं कि आप अगर इस तरीके से हमारे समाज के बीच से बाहर निकलोगी तो आपका भी यही हश्र होगा, क्योंकि लोगों के मन में, लोगों के जहन में इस तरीके का डर बन जाता है इस तरीके की घटनाओं को सुनकर और देखकर।